multiply by 12, 13, 14 till 19, we are using the concept here. No matter digit is 2 by 2, 3 by 2, 4 by 2 or n numbers of digit. What we have to do? First step, step 1, 2 5's the 10, carry 1, right? Now second step, इसको इससे multiply करो क्या? 2 1's the 2. अब इसको क्या करें? Previous digit को add करें. 2 1's the 2 plus 5, 7. और जो carry over था वो भी add करना है. 8. और last digit itself, last digit को मैं as it is उतार देंगे. 1, right? फिर देखिए. 2 4's the 8. Now the next step, 2 2's the 4 plus previous digit 4. 4 plus 4, 8. Last digit itself. Understood? One more. 2 3's are. Now, 3 number hai, toh bhi yahi concept lagega. 2 3's are 6. Now, next number, 2 2's are 4. 4 plus 3, 7. 7. Next number se multiply karenge. 2 4's are 8. 8 plus 2, 10. Carry 1 aaya. अब लास्ट डिजिट पे हम चलेंगे लास्ट डिजिट प्लस कैरी होगा व्हाट इट चलिए एक और एग्जांपल लीजिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 7 प्लस 2 8 2 2 जा 4 4 7 is 7 लास्ट डिजिट 2 अब यहां पे 4 डिजिट है तो भी सेम कांसेप्ट लगेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 प्लस 2 8 2 2 is 4 plus 3 7, 7. अब यहां पे एक नंबर और आगे एक नंबर का और आगे जाएंगे 2 1 is 2 plus 2 4 last digit itself what it चलिए last example 2 6 is 12 carry 1 2 2 is 4 plus 6 10 plus 1 11 carry 1 2 5 is 10 10 plus 2 12 plus 1 13 carry 1 2 4's are 8, 8 plus 5, 13, plus 1, 14, carry 1. सारे नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया है और लास्ट डिजिट प्लस कैरी होगा यदि यहाँ पे और भी डिजिट्स होती हम सेम कॉन्सेप्ट लगाते आगे बढ़ते जाते प्रीवियस को ऐड करते जाते आगे बढ़ते जाते प्रीवियस को ऐड करते जाते हैं अंडरस्टूड ऑल और लास्ट डिजिट को सेल्फ लिख देते हैं ठीक है फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है अंडरस्टूड